हरे कृष्ण। आप सबका हमारे चैनल इस्कॉन डेली दर्शन में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं बहुत ही विशेष एक टॉपिक। आजकल चर्चा में है कि राधे राधे जपे या फिर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। बहुत सारे गौड़ीय वैष्णव जो संप्रदाय से जुड़े हुए लोग भी हैं, वो भी आकर अक्सर ये सवाल करते हैं कि राधे राधे का जाप सर्वश्रेष्ठ है या फिर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप सर्वश्रेष्ठ है। तो इस तरह के जो संदेह है वो हमेशा ऐसे भक्तों के मन में आते हैं जो अपने जिस संप्रदाय से जुड़े हुए संप्रदाय के बारे में पूरी जानकारी नहीं रखते और हमेशा अपने संप्रदाय के बारे में कभी बहुत कम सुनते हैं और बाकी ज़्यादा संप्रदाय के बारे में जब ज़्यादा सुनते हैं तो अपने संप्रदाय के प्रति और अपने गुरु के प्रति उनका जो विश्वास है वो कम हो जाता है। तो इसलिए संस्कृति की गई है कि हमेशा अपने संप्रदाय के भक्तों से हमेशा चर्चा करनी चाहिए, उनसे कथाएं सुननी चाहिए, ताकि हमारे जो संप्रदाय से और हमारे जो गुरु है उनके प्रति हमारी जो श्रद्धा है वो हमेशा अपनी बढ़ती रहे। ऐसा नहीं है कि हम दूसरे वैष्णवों से ईर्ष्या करते हैं या फिर दूसरे वैष्णवों से हम सुन नहीं सकते। हम बिल्कुल ही सुन सकते हैं, लेकिन क्योंकि अभी हम उस स्टेज पर नहीं हैं और हमारे भ्रमित होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि दो नाव की सवारी हमेशा ख़तरनाक होती है, इसलिए कोई भी एक पकड़ रखे फिर उसी को अगर अपन आपने आगे बढ़ा जाए उसको पकड़ के तो हम भक्ति में निश्चय ही आगे बढ़ सकते हैं। जहाँ तक रही हरे कृष्ण महामंत्र की बात, तो हरे कृष्ण महामंत्र कोई साधारण मंत्र नहीं है। हरे कृष्ण महामंत्र साक्षात भगवान चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात कृष्ण हैं और राधा रानी के भाव में इस धराधार पर अवतरित हुए कलयुग में, उन्होंने इस हरे कृष्ण महामंत्र की संस्तुति की है और खुद कृष्ण होते हुए भी उन्होंने ये हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किया है और हरे कृष्ण महामंत्र का वो नित्य प्रति जप भी किया करते थे। तो जब भगवान कृष्ण भी इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, डायरेक्ट राधा रानी का नाम ना लेकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, तो हमें भी निश्चित रूप से यह सिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु इस धराधार पर अवतरित हुए हैं कि यह हरे कृष्ण महामंत्र पूरी तरह से सर्वसमर्थ है आपको भगवत प्रेम दिलाने के लिए। गौड़ीय संप्रदाय में सबसे बात करते हैं श्री माधवेंद्रपुरी जी की, तो माधवेंद्रपुरी जी भी भगवान के ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया करते थे और उन्हें हरे कृष्ण महामंत्र के जप की बदौलत माधवेंद्रपुरी जी को साक्षात भगवान कृष्ण के दर्शन हुए गोवर्धन में। और आज हम देखते हैं कि नाथद्वारा में जो भगवान श्रीनाथ जी की जो विग्रह की पूजा हो रही है इतनी धूमधाम से, वो विग्रह भी हमारे गौड़ीय संप्रदाय के श्री माधवेंद्रपुरी द्वारा ही बाहर निकाले गए और भगवान ने साक्षात माधवेंद्रपुरी जी को ये आज्ञा दी कि मैं आपका ही इंतज़ार कर रहा था और आप अब आ गए हैं तो मुझे इन झाड़ियों से बाहर निकालिए। तो हम देख सकते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र से भगवान कृष्ण को पाना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और भगवान कृष्ण की और राधा रानी की दोनों की कृपा मिलती। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र में सिर्फ कृष्ण की प्राप्ति होती है, इसमें हरे और कृष्ण, हरे का मतलब ही राधा रानी है और कृष्ण भगवान कृष्ण है साक्षात। ये गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है जिसने आज जो वृंदावन में ज़्यादातर मंदिर देख रहे हैं वो सारे मंदिर और वृंदावन का पुनरुद्धार सिर्फ गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के महान आचार्य ने किए हैं। राधा कुंड श्याम कुंड की खोज साक्षात श्री गौरांग महाप्रभु ने की थी जब वो वृंदावन की यात्रा पर गए थे। चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में हैं और राधा रानी के भाव में ही वो भगवान की कृष्ण के नामों का कीर्तन करते और उन कीर्तन को करके वो राधा रानी का जो महाभाव है जो कोई बद्ध जीव प्रदर्शित नहीं कर सकता, वो महाभाव चैतन्य महाप्रभु ने प्रदर्शन किया और ये हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की खासियत है। और इसी गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में आगे चल के महान महान आचार्य हुए जिन्होंने ये हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन के बल पर ही भगवान को अपने वश में कर लिया। सिर्फ भगवान ही नहीं, राधा और कृष्ण दो, क्योंकि हमारा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय यही मानता है कि श्री चैतन्य राधा कृष्ण ना ही अन्य, चैतन्य महाप्रभु ही राधा कृष्ण के रूप में अवतरित हुए हैं। राधा कृष्ण कोई दो नहीं है, जहाँ भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं ना तो परत, मेरे से ऊपर ना कोई है ना मेरे समान है। तो इसका मतलब ये नहीं है
भगवान कृष्ण राधा रानी से छोटे हैं या राधा रानी बड़ी है। राधा रानी और कृष्ण में एक्चुअल में कोई भेद नहीं है, सिर्फ लीला करने के लिए भगवान दो रूप लेते हैं, राधा रानी और कृष्ण के रूप में आते हैं और वो लीलाएँ करते हैं। हम देखते हैं हरिदास ठाकुर जो प्रतिदिन 22 घंटे 300,000 हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया करते थे, अंतिम समय में चैतन्य महाप्रभु साक्षात अपने भाव में उठाकर उनको लेकर कीर्तन किए और उनका अंतिम संस्कार भगवान ने खुद अपने हाथों से किया है। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र की बदौलत ही है कि उनको भगवान खुद अपनी गोद में उठा के और भगवान कीर्तन कर रहे हैं, उनका अंतिम संस्कार भगवान ने खुद अपने हाथों से किया है। और चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर के जब हरिदास ठाकुर ने अपना शरीर त्याग किया तो चैतन्य महाप्रभु खुद बहुत रोए और उन्होंने बताया कि हरिदास ठाकुर ऐसे पुण्यात्मा हैं जो इस पूरे ब्रह्मांड को पवित्र कर सकते हैं। इसी प्रकार छह गोस्वामियों को चैतन्य महाप्रभु ने आज्ञा दी वृंदावन में आके वृंदावन का जो पुनरुद्धार करने की चैतन्य महाप्रभु ने उनको आदेश दिया। तो हम देखते हैं छह गोस्वामी भी कौन है। छह गोस्वामी भी मंजरिया हैं। मंजरिया किसे कहते हैं? मंजरिया वो है जो राधा रानी की निजी सेविकाएँ हैं, और अगर राधा रानी की निजी सेविकाएँ हैं तो वो राधा रानी को ही अपना सर्वस्व समर्पण करती हैं, सिर्फ राधा रानी की सेवा में लगी रहती हैं। भगवान कृष्ण को भी वो सिर्फ अपनी राधा रानी की प्रेमिका प्रेमी के रूप में जानती हैं और उनको हमेशा प्रसन्न करने के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। तो वो मंजरिया भी भगवान हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किया, रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी जो 22 घंटे हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे और साक्षात राधा रानी जो है आती थी, राधा रानी के दर्शन होते, भगवान कृष्ण के दर्शन होते। आप देखते हैं जब टेर कदम में हम जाते हैं तो वहाँ पे साक्षात राधा रानी रूप गोस्वामी जी को खीर खिलाने के लिए उनके द्वार पर आई खीर लेके, और रूप गोस्वामी जी ने अपने भाई सनातन गोस्वामी जी को वो खीर खिलाई, और आज भी राधा रानी और कृष्ण को उनको खीर का लगाया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से राधा रानी गुस्सा हो जाएगी या फिर कृष्ण गुस्सा हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। हमारे आचार्यों ने, हमारे शास्त्र ने जो मंत्र दिया है उस मंत्र पे हमको पूरी तरह से विश्वास होना चाहिए, पूरी श्रद्धा के साथ में हमको जप करना चाहिए। और जप की भी एक विधि है, उस विधि को अगर पालन नहीं करते हैं तो हम जो है उस जप में आनंद नहीं आएगा हमको उस जप में। इस जप को अच्छे से और करने के लिए हमारे इस्कॉन बेंगलोर के श्रीमान मधुपंडित प्रभु ने बहुत ही अच्छे से और सिस्टमेटिक तरीके से सोलफुल जपा नाम से सेशन स्टार्ट किए। आप उस सेशन को देख सकते हैं और अपने जप को बहुत अच्छे से सुधार सकते हैं ताकि आपको इस हरे कृष्ण महामंत्र में और भी बहुत ज़्यादा आनंद आएगा, और ये आनंद जो है आपको अपनी भक्ति में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाएगा। हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में महान महान आचार्य हुए हैं और इसी हरे कृष्ण महामंत्र की बदौलत में कृष्ण प्रेम जागृत हुआ धीरे धीरे। इसी में जैसे हम देखते हैं शिला नरोत्तम दास ठाकुर जी जो अपने ध्यान समाधि में इसके भगवान के इस जप के करते करते भी भगवान के लीलाओं में चले जाते थे, और लीलाओं में जाके एक लीला है जहाँ पे वो राधा रानी के लिए दूध गर्म करते हैं और जो दूध है वो उबलने लगता है तो उनके हाथ जल जाते हैं, जब ध्यान से बाहर आते हैं तो उनके हाथ भी जले हुए होते हैं। तो हम देखते हैं हरे कृष्ण महामंत्र कोई मामूली मंत्र नहीं है। अब लेकिन क्योंकि हम इस हरे कृष्ण महामंत्र को सही से जप नहीं रहे हैं या फिर हम इसकी महिमा को बहुत कम करके आँक रहे हैं, गलत तरीके से जप कर रहे हैं, वैष्णवों से सुन नहीं रहे हरि नाम की महिमा, और अपनी संप्रदाय के हमारे आचार्य से हम शिक्षा नहीं ले रहे हैं या अपने आचार्यों के बारे में पढ़ नहीं रहे हैं, इस वजह से हमारा जो है मन पूरी तरह से संदेह में रहता है कि मैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप करूँ या राधे रानी का जप करूँ। एक्चुअल में हरे कृष्ण महामंत्र में राधा रानी और कृष्ण दोनों का ही नाम आता है, हरे का मतलब ही राधा रानी है, और हमारी प्रार्थना भी यही रहती है कि हे राधा रानी आप हम पर कृपा करें, हमको भगवान की सेवा में लगाएं। इस क्रम में एक लीला आती है, छिला प्रभुपाद जी के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज एक बार राधा कुंड पर परिक्रमा कर रहे थे तो उनके भक्तों ने पूछा कि गुरु महाराज यहाँ पे जो वृंदावन में जितने सारे लोग हैं वो सारे राधे राधे का जप करते हैं और हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, तो हम तो कृष्ण की साइड में, ये सारे राधा रानी की साइड में हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा कि नहीं, एक्चुअल में हम राधा रानी की साइड में हैं। उनके शिष्य ने कहा कि गुरु महाराज ऐसा कैसे? तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा कि हम राधे रानी का जप नहीं करते, हम कृष्ण का जप करते हैं ताकि राधा रानी हम पर प्रसन्न हो।
हम सिर्फ राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण का जप करते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि हमारे आचार्य का भाव भी जो है वो राधा रानी से कृपा प्राप्त करना है, राधा रानी की कृपा प्राप्त करना। और हमारे आचार्य राधा रानी के जो है डायरेक्ट वर्शिप करते हैं, जैसे देखते हैं प्रभुपाद जी ने 108 मंदिर बनाए, 12 साल में प्रभुपाद जी ने जो प्रचार किया वो आज तक कोई आचार्य इतना कर नहीं पाए। जिस देश में मलेच्छ जैसी जातियों में जहाँ पे समुद्र पार कोई सन्यासी जाना नहीं चाहता, उसी ऐसे लोगों का उद्धार करने के लिए हमारे गुरु महाराज शिला प्रभुपाद जी इतनी कठिनाइयों को सहते हुए भी अमेरिका गए और वहाँ पे जाके सिर्फ उन्होंने क्या हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किया है, उन्होंने और कुछ भी दूसरा नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किया पार्क में जाके। और इस कीर्तन के प्रभाव से वहाँ पे जो है सारे युवा वहाँ पे आते गए और प्रभुपाद जी से जुड़ते गए। और ये हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन है जिसके बदौलत आप पूरे विश्व में सनातन धर्म का प्रचार हुआ है। और हमारे गुरु महाराज शिला प्रभुपाद जी को इस हरे कृष्ण महामंत्र पे बहुत ही ज़्यादा विश्वास है, बहुत ही ज़्यादा उनकी दृढ़ श्रद्धा है हरे कृष्ण महामंत्र पे, क्योंकि हमारी परंपरा में है, हमारी परंपरा ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने की सलाह देती है। तो हमें अपनी परंपरा की बात माननी है, ना कि किसी और की। हाँ, दूसरे संप्रदाय में दूसरे मंत्र भी है, तो जो जिस संप्रदाय में उस संप्रदाय में रह के वो अपनी भक्ति करें। दो नावों की सवारी हमेशा भारी पड़ती है, इसलिए एक नाव की सवारी करें, अपने संप्रदाय में हमारे आचार्यों से सुने, हमारे आचार्यों के बारे में पढ़ें, हमारे आचार्य ने जो कुछ कहा है उसका पालन पूरी दृढ़ता के साथ में करें, और तभी हमको भक्ति में जो है वो आनंद आएगा। अन्यथा भक्ति में ना तो हमको आनंद आएगा और हमारा जो मन है वो हमेशा भटकता रहेगा कि मैं क्या करूँ। तो हमारे गुरु महाराज जो है शिला प्रभुपाद जी वो हमेशा ही ये हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते, और इस कीर्तन की बदौलत आप देखते हैं पूरे विश्व में आज भी हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन की वजह से लोग जुड़ते जा रहे हैं। लोगों को ये कीर्तन बहुत ही सुंदर लगता है, सुनने में मधुर लगता है, और इस कीर्तन की बदौलत लोगों का मन जो है वो शुद्ध होता जाता है। चैतन्य महाप्रभु ने भी अपने शिक्षा अष्टकम में कहा है कि ये जो हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन है वो कीर्तन अपने चित्त रूपी दर्पण को साफ करता है, और जब ये चित्त रूपी दर्पण साफ हो जाता है तभी हम भगवान को समझ सकते हैं, अन्यथा राधा कृष्ण को हम नहीं समझ सकते। प्रभुपाद जी ने आगाह किया कि हम कलियुग के बद्ध प्राणी हैं और हम राधा कृष्ण की लीलाओं को वास्तव में समझने के लायक नहीं है, इसलिए हमको शुरुआत में हमको ये साधन भक्ति के तहत हरे कृष्ण महामंत्र का जप बहुत ही दृढ़ता के साथ में और गुरु के निर्देशानुसार हमको करना है। और जैसे ही हम गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, उनके निर्देशों का पालन करते हैं, हमें धीरे धीरे वही कृष्ण प्रेम भगवत प्रेम हमको धीरे धीरे अपने आप ही प्राप्त होता जाता है, क्योंकि हम अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। भगवान खुद भी कहते हैं कि जो गुरु के आदेशों का पालन करता है उससे मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता हूँ। तो इसलिए हमको अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना है, हमारे संप्रदाय के महान वैष्णव आचार्यों का सम्मान करते हुए और उनके आदेशों का पालन करते हुए भक्ति में हम आगे बढ़ सकते हैं और उन्हीं वैष्णव आचार्यों से हम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। एक समय ऐसा भी था जब जयपुर के राजा जवाई राजा जय सिंह द्वितीय उस टाइम पर गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, लेकिन उस समय जो है रामानंदी संप्रदाय के बहुत सारे संतों ने कहा कि ये संप्रदाय प्रमाणिक नहीं है और ये राधा कृष्ण की परकिया भाव में सेवा करते हैं जो कि हमारे शास्त्रों के खिलाफ है, राधा और कृष्ण की शादी नहीं हुई है और इस ये जो गौड़ीय संप्रदाय है इनके पास में कोई ब्रह्मसूत्र के पास के ऊपर भाष्य भी नहीं है, तो ये संप्रदाय प्रमाणिक नहीं है। तो उस समय के हमारे महान आचार्य शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उस समय उनकी काफ़ी ज़्यादा उम्र हो गई थी और उनके शिष्य थे बलदेव विद्याभूषण, तो उनको उन्होंने आज्ञा दी और वो जब यहाँ पे आए भगवान कृष्ण साक्षात खुद इस ब्रह्मसूत्र पर उन्होंने भाष्य दिया और अपने इस जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय इसको प्रमाणिक सिद्ध करने के लिए भगवान ने खुद भाष्य दिया जिसका नाम गोविंद भाष्य रखवाया गया बलदेव विद्याभूषण के द्वारा, और उस समय सारे वैष्णवों के समक्ष गोविंद भाष्य जब प्रस्तुत किया गया तो सारे वैष्णव संप्रदाय जो बहुत अति प्रसन्न हो गए। अन्यथा ये हमारे सिर्फ गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की वजह से आज हम राधा कृष्ण की पूजा कर पा रहे हैं, हमारा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की वजह से है, क्योंकि उन्होंने ही प्रमाणित किया है कि राधा कृष्ण की शादी भी हुई है उनकी और उनकी परकिया भाव में सेवा सबसे सर्वोत्कृष्ट सेवा कही जाती है। हमारे शिला प्रभुपाद जी ने 108 मंदिर बनाए जहाँ पर हर जगह राधा और कृष्ण की
युगल रूप में सेवा की जाती है, ना कि सिर्फ कृष्ण रूप में। तो हमारे सारे वैष्णव आचार्यों का मूल राधा कृष्ण की सेवा करना है, राधा कृष्ण की प्रेम अर्जित करना है, राधा कृष्ण की सेवा करनी और राधा कृष्ण का ही प्रेम अर्जित करना है। राधा रानी की कृपा से कृष्ण प्राप्त होते हैं और कृष्ण की और जब कृष्ण की कृपा होती है तो राधा रानी को समझा जा सकता है। राधा रानी जो राधा तत्व है, वो राधा तत्व हम बद्ध जीव आसानी से समझ नहीं सकते। राधा तत्व को समझने के लिए हमें कृष्ण प्रेम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये कृष्ण प्रेम ये हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन से आता है, हरे कृष्ण महामंत्र के जप से आता है। हरे कृष्ण महामंत्र का जितना निष्ठा के साथ में प्रेम पूर्वक और एक एक अक्षर को सुन सुन के जब जप किया जाता है तो वो हमारे चित्त रूपी दर्पण को साफ करता है धीरे धीरे। और जब हमारा चित्त साफ हो जाता है तो उस चित्त की वजह से ही हम भगवान कृष्ण के साक्षात दर्शन कर सकते हैं। तो आप सभी वैष्णवों से मेरा यही अनुरोध है कि आप भ्रमित ना हो। राधे राधे का जप भी अति उत्तम है, लेकिन जो संप्रदाय में है वो राधे रानी का जप कर सकते हैं। हम गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में हैं, हमको हमारे आचार्य ने हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना सिखाया है और उसी हरे कृष्ण महामंत्र की वजह से आज हम भक्ति कर पा रहे हैं। भगवान कृष्ण सदियों से हैं, राधा रानी भी सनातन काल से हैं, लेकिन हमको भक्ति कभी प्राप्त नहीं हुई। हमको सिर्फ और सिर्फ भक्ति प्राप्त हुई हमारे गुरुदेव श्रील प्रभुपाद जी की वजह से, उनके द्वारा दिए गए हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन की वजह से, उनके द्वारा दिए गए नियमों की वजह से। तो हम तो हमारे गुरु महाराज के बहुत ज़्यादा ऋणी हैं और हमारे गुरु महाराज के द्वारा दिए गए हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन से और उनके द्वारा दिए गए उनके नियमों का पालन करने से हम हमारे गुरु महाराज को प्रसन्न कर सकते हैं। और हमारा एकमात्र ध्येय यही है कि हमारे गुरु महाराज हमसे प्रसन्न हो, चाहे भगवान प्रसन्न हो या ना हो, लेकिन गुरु महाराज को प्रसन्न करना हमारा मुख्य लक्ष्य है। क्योंकि हमारे जब मंगला आरती में भी हम यही गाते, यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद हो, यस्य प्रसादात न गति कुतो भी, जिसकी कृपा से भगवान मिले हैं उनकी कृपा से ही हमको सब कुछ मिला है। गुरु की कृपा नहीं है तो भगवान की भी कृपा नहीं होगी। तो हम हमारे गुरु महाराज को प्रसन्न करने के लिए और हमारी जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है, उस गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय हम आते हैं, उस संप्रदाय का सम्मान करते हुए पूरी तरह से हम अपने आचार्यों की पूरी लीलाओं को सुने, पूरी उन हमारे आचार्यों का पूरी जीवन कथा जो है उनके जीवन के बारे में पढ़ें, उनके बारे में जानें और गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय को पूरी तरह से समझें, तब जाके हमारे अंदर जो संदेह है वो संदेह धीरे धीरे दूर होंगे और हरे कृष्ण महामंत्र के प्रति हमारा जो विश्वास है वो दृढ़ होता जाएगा। जब तक हमारा विश्वास दृढ़ नहीं होगा तब तक हमको इस हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन में आनंद नहीं आएगा। इसलिए विश्वास दृढ़ करने के लिए गुरु के आदेशों का पालन बहुत दृढ़ता के साथ में करना है और ये हरे कृष्ण का कीर्तन और जप हमें पूरी निष्ठा के साथ में करना है, तभी हम भगवान की भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा लाखों जन्मों तक भी हम भगवान या मंत्र जाप कर सक करेंगे लेकिन फिर भी हमको भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होगी क्योंकि हम गुरु के आदेशों का पालन नहीं कर पा रहे। तो इसलिए सभी वैष्णवों से मेरा यही विनती है कि आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप बड़े ही प्रेम के साथ में आदरपूर्वक करें, अपने आचार्यों के बारे में पढ़ें, अपने आचार्यों के बारे में जानें और अपने आचार्यों के द्वारा लिखी हुई पुस्तकों को पढ़ें। बहुत सारे हमारे नरोत्तम दास ठाकुर ने बहुत सारे वैष्णव भजन लिखे हैं, शिला भक्तिविनोद ठाकुर प्रभुपाद जी ने बहुत सारे वैष्णव भजन लिखे जिनमें उन्होंने राधा कृष्ण की महिमा का गायन किया है। और अब देखते हैं भक्तिविनोद ठाकुर तो लिखते हैं कि बिना कृष्ण की कृपा के राधा रानी को प्राप्त नहीं किया जा सकता, बिना राधा रानी की कृपा के कृष्ण को प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए राधा कृष्ण के कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, राधा कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हैं, कलियुग में अवतार लिया और चैतन्य महाप्रभु ने खुद बताया है कि कैसे भगवान की भक्ति की जाए। ये हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन ही एकमात्र रास्ता, ना तो परत्र उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते, सारे वेद भी कहते हैं, खुद भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और वो खुद भी कहते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन के अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करें, प्रसन्न रहें और किसी भी तरह के संदेह से दूर रहें। भगवान के जप में अभी आनंद है, भगवान के नाम में ही परम आनंद मिलेगा, हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन में आनंद मिलेगा। वृंदावन के महाराज परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज बहुत ही अच्छे भक्त और बहुत ही प्रेमी संत हैं और उनको देख के हमको भी हमारे गुरु महाराज के प्रति निष्ठा बढ़ती है। उनका प्रेम राधा रानी के प्रति अतुलनीय है, हम उनके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं है।
लेकिन क्योंकि हम गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से जुड़ गए हैं, हमारे गुरु महाराज श्रीला प्रभुपाद जी हैं और उन्होंने हमको हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने की आज्ञा दी है, इसलिए हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं और उसी में हमको भक्ति मिली है। उसी हरे कृष्ण महामंत्र की बदौलत हम आज जो कुछ भी कर पा रहे हैं वो हमारे गुरुदेव की वजह से है। और प्रेमानंद जी महाराज भी कहते हैं कि आप जिस भी संप्रदाय में हैं, जिस भी गुरु ने आपको जो मंत्र दिया उसी मंत्र का घर बैठे आप जप कर सकते हैं। तो वैष्णवों में कई मतभेद नहीं है, सिर्फ मतभेद या संदेह हमारे मन में है। ये संदेह को दूर करें और हमारे गुरु महाराज के द्वारा दिए गए मंत्र का जप करें और इस मंत्र से आपको अवश्य ही भक्ति प्राप्त होगी, आपको साक्षात राधा कृष्ण के दर्शन होंगे। हरे कृष्ण, जय श्रील प्रभुपाद।